नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, बहुत फायदेमंद होने वाले। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो दोस्त आप मंत्रिपरिषद से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछिए, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें दोस्त, ताकि जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ सीधे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ मंत्रिपरिषद क्या होता है और इसके बारे में कितना क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75, मंत्रिपरिषद का कार्यों तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायी पर विचार करने वाली एक संगठन है और राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। मंत्रिपरिषद की बैठक को अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हम लोग का पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और जो पेपर में आया है उसी को हम लोग इसमें रिपीट करने वाले हैं, फालतू कोई क्वेश्चन हम लोग इसमें नहीं करेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वही प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2008 में यह पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल हम लोग का 25 वर्ष आवश्यकता होती है। आयु कितना वर्ष? 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य भी होना आवश्यक होता है। नहीं होने पर उसके 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता न्यूनतम ग्रहण करने के लिए आप लोगों को 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि लोकसभा का 25 वर्ष होता है और राज्यसभा का कितना होता है? 30 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त, कह रहे ना कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे हम लोग का प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950, ठीक है, 1950 यहाँ पे को एक कार्यपालिकी आदेश द्वारा किया गया था और प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक इसका नया नाम रख दिया, नीति आयोग का निर्माण कर दिया। ठीक है, इस आयोग का भी अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो आप लोग प्रधानमंत्री कर लीजिएगा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। तो आप लोगों को याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, केंद्रीय सरकार में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ राज्य एवं समर्थित सूची में शामिल नहीं है विधि बनाने की शक्तियाँ संघीय मंत्रिमंडल में निहित होती है दोस्त। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन होता है? संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और निचले सदन का अध्यक्ष। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है, हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल के वाले सांसद ही करते हैं किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है, इसलिए मार्लेमेंटो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। किसने कहा? मार्लेमेंटो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देखिए, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है?
तो वही क्वेश्चंस इसमें रिपीट किया है, तो आप लोगों को बताना है कि मार्ले मिंटो ने, ठीक है, किसने, मार्ले मिंटो ने किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यानी वन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मयूर की। ठीक है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रैमसे, ठीक है, इसका नाम पूरा था रैमसे म्यूर की देन है। म्यूर का मानना है कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की व्यवस्था में आ सकती है, अव्यवस्था में आ सकती है। ठीक है, अगला आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। ठीक है, तो इस भी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा म्यूर। ठीक है, म्यूर ने ही कहा है कि राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, मंत्रिमंडल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दोस्त कह रहे हैं ना कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर आता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, तो जनता का समर्थन, तो इसमें होना चाहिए लोकसभा का विश्वास। जब तक ये देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद की संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे लोकसभा का क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। पति के कार्यकाल के साथ जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो और 5 वर्ष, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा 3। जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा तब तक उसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे सांसद ने मतदान द्वारा अपदस्त कर दिया था। ठीक है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्त कर दिया था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, बीपी सिंह थे। बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें सांसद ने मतदान द्वारा अपदस्त कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह नियुक्ति द्वारा बनाया जाता है, यह संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है, और यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें कि परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में उसे 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को यह याद रखना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रथम क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहा। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है कि इसका उल्लेख, ठीक है, भारतीय संविधान में नहीं है, मतलब उप प्रधानमंत्री का व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्रों के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राकलन समिति के सदस्य, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दोस्त कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसका गठन सबसे पहले राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए
किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक 1962 में हुई थी, ठीक है, और इसे 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, आप लोग एक काम कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि पल पल की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।